हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में इस बेल बटन को भी दबाए आईपीएल से जुड़ी सब लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए धन्यवाद। आज 4 जनवरी को आईपीएल टीमों द्वारा 2018 के सीजन के लिए रिटेन किए गए खिलाड़ियों का ऐलान किया जाएगा। यह आईपीएल नीलामी का पहला मुख्य पड़ाव है। इस पूरी प्रक्रिया को शाम 6 बजे से स्टार स्पोर्ट्स 2 पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। हर आईपीएल टीम के पास नीलामी से पहले अधिकतम 3 खिलाड़ी रिटेन करने का अधिकार है। आज आईपीएल खिलाड़ियों को रिटेन करने की प्रक्रिया का आयोजन मुंबई के एक होटल में किया जाएगा। इस दौरान सभी टीमों के मालिक और कुछ टीमों के रिटेन खिलाड़ी और कोच भी मौजूद रहेंगे। इनमें नीता अंबानी, वीरेंद्र सहवाग, प्रीति जिंटा, वीवीएस लक्ष्मण, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा मुख्य रूप से शामिल हैं। सभी टीमों के संभावित 3 रिटेन खिलाड़ियों की सूची आगे दी हुई है। मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, चेन्नई सुपरकिंग्स एमएस धोनी, सुरेश रैना, ड्वेन ब्रावो, दिल्ली डेयरडेविल्स क्रिस मॉरिस, क्विंटन डीकॉक, श्रेयस अय्यर, सनराइजर्स हैदराबाद शिखर धवन, डेविड वॉर्नर, भुवनेश्वर कुमार, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर विराट कोहली, एबी डिविलियर्स केएल राहुल, कोलकाता नाइट राइडर्स सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, कुलदीप यादव। दिल्ली और पंजाब शायद ही किसी खिलाड़ी को रिटेन करेगी, वही कोलकाता भी गंभीर को रिटेन करने के पक्ष में नहीं है। उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स 2018 में कप्तान बना सकती है।